दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 20 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कुछ मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस दौरान एक मस्जिद को नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर अलवर में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत कुछ दुकानों और मकानों को तोड़ने की घटना के वीडियोस चलाए गए और झूठा दावा किया गया कि ये दिल्ली में मस्जिद को हुए नुकसान का बदला लेने के लिए किया गया है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये दावा चलाया था, हालांकि ऑल्ट न्यूज़ की जाँच में ये दावा सरासर गलत पाया गया। इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए 22 अप्रैल को टाइम्स नाउ नव भारत ने शो न्यूज़ की पाठशाला में दावा किया कि ये जहांगीरपुरी का बदला था। शो के एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा कि अलवर में प्रशासन ने विकास के नाम पर सभी हिंदुओं के घर और दुकानें तोड़ दी, लेकिन जाकिर खान मैटर्स नाम की दुकान को कुछ नहीं किया। इसके ठीक बगल में अब इस तरफ मैं चलता हूँ, मेरे हाथ के साथ मैं विजय से कहूँगा, विजय जी मेरे हाथ के साथ दिनेश जी आइए, ये आप दिखाइए हैंडलूम मैटर्स जाकिर खान, ये दीवार यहाँ खत्म और इस दीवार से तकरीबन 10 फीट अंदर ये मकान और ये मकान टूट गया है, लेकिन आप देखेंगे उससे 10 फीट आगे तक ये दुकान निकली हुई है, सुरक्षित है, कोई तुड़ाई नहीं है, एक पत्थर एक ईंट यहाँ से नहीं हटी है, लेकिन ये मकान तोड़ दिए गए हैं जो 10 फीट पीछे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बुलडोजर कैसे पहचान रहा है कि ये जाकिर खान का घर है या किसी और का घर है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजस्थान वाला बुलडोजर है कमाल का, किस पर चलना है किस पर नहीं चलना है सब समझ जाता है। इस ब्रॉडकास्ट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करने वालों में भाजपा आईटी सेल हेड अमित मालवीय, अलवर से भाजपा सांसद योगी बालकनाथ और भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय शामिल है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार ने मुस्लिम दुकानों को कुछ नहीं किया, लेकिन हिंदुओं की दुकानें तोड़ दी। इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने जाकिर खान मैटर्स की दुकान के बोर्ड पर दिख रहे नंबर पर संपर्क किया। हमारी बात जाकिर खान से हुई, उन्होंने बताया कि ये दुकान उनकी नहीं है, वो सिर्फ किराएदार है और इस दुकान के मालिक मनीष दीक्षित है। उन्होंने कहा कि इस दुकान को 2007 के कोर्ट के एक नोटिस की वजह से नहीं तोड़ा गया था। हमने इस दुकान के मालिक मनीष दीक्षित से भी बात की, मनीष पेशे से वकील है, उन्होंने कहा कि ये उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। 2005 में रोड चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई हुई थी, उस वक्त भी प्रशासन ने कई दुकानें तोड़ी थी। उन्होंने ये जमीन कस्टोडियन डिपार्टमेंट से खरीदी थी। नगर पालिका द्वारा दुकान हटाने का नोटिस मिलने पर मनीष ने राजगढ़ कोर्ट में सूट फाइल किया था। कोर्ट ने मनीष को प्रॉपर्टी से बेदखल न करने और इसे नहीं तोड़ने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि ये फैसला आज भी प्रभावी है। मनीष दीक्षित द्वारा ऑल्ट न्यूज को भेजी गई कोर्ट के आदेश की कॉपी में साफ तौर पर लिखा है कि ये अतिक्रमण नहीं है। ये आदेश 1 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि नगरपालिका ने 2017 और 2018 में भी उनके जमीन के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उन्होंने सभी कागजात दिखाए भी थे। हाल ही में दोबारा मनीष को 6 अप्रैल 2022 को नोटिस मिला था। उन्होंने 11 अप्रैल 2022 को नगरपालिका को इसका जवाब दिया था और कोर्ट का आदेश भेजा था। 17 अप्रैल को प्रशासन द्वारा मकान और दुकान हटाए जाने की जो कार्रवाई हुई, तब उन्होंने अपनी दुकान के बाहर कोर्ट का आदेश लगा दिया था। मनीष दीक्षित ने हमें दुकान के बाहर लगाए गए नोटिस की तस्वीरें भी भेजी। इसके अलावा मनीष दीक्षित ने हमें किरायेनामा की कॉपी भी भेजी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये दुकान जाकिर के पिता पप्पू खान को किराए पर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट पर भी मनीष ने कमेंट करते हुए सच्चाई बताई थी। टाइम्स नाउ नव भारत ने 29 अप्रैल को ब्रॉडकास्ट के दौरान इस मुद्दे पर ये कहा। तो अभी रुक जाइए, आपके फिर वीडियो चला दूंगा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो जाकिर खान मैटर्स पर आप कह रहे हैं, वो दुकान जो है वो कई सालों से जाकिर खान के पास ही है, उसका मालिक जो भी हो वो है जाकिर खान के पास, पहली बात। अरे फिर अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, आपने एक प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जब वहां पर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई तब ये भी दिखाया, उठा के देखिए उस रिपोर्ट को, कि यहां पर एक स्टे की बात है कि इनके पास स्टे है, लेकिन उसी में भंवर पुष्पेंद्र ने वहां के और लोगों से भी बात किया सर, और उन लोगों ने कहा कि कागजात तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और हमारी दुकानें तोड़ दी गई, हमारे घर पे बुलडोजर चल गया, ये प्रश्न उठाया था भंवर पुष्पेंद्र, आपको और लोगों ने यह कहा था या नहीं कहा था? जी बिल्कुल,
लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो लोगों ने कहा था कि कागज हमारे पास भी है, हम कागज दिखाते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास नोटिस तक नहीं आया है, जबकि 6 तारीख को नोटिस इशू होने की बात कही गई थी, 6 तारीख को नोटिस गए थे, कुछ लोगों के पास पहुंचे थे, कुछ के पास नहीं पहुंचे थे। ऐसे में लोगों का यही कहना था कि बिना बताए बिना मोहलत दिए सब तोड़ना ठीक नहीं है, और जब एक नाम विशेष की दुकान को छोड़ करके सबको तोड़ देना ये भी ठीक नहीं है, ये लोगों का वहाँ कहना था। ठीक है, यहाँ एंकर ने एक बार फिर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाया और कहीं भी पुरानी गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी नहीं मांगी। यानी राजस्थान के अलवर में विकास प्रोजेक्ट के तहत दुकानें और मकान हटाए जाने की घटना को टाइम्स नाउ नवभारत ने बिना क्रॉस वेरीफाई किए सांप्रदायिक रंग देकर चलाया, जबकि जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये दुकान मनीष दीक्षित के नाम पर है जो धर्म से हिंदू है, और इसे कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं तोड़ा गया था।